हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीस फ्रॉम इनोवेशन क्लासेज और मैं आपके साथ आज हूँ EGRM के बेसिक यूज के साथ। जैसा आप लोग जानते हैं कि जब हम कोई ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम EGRM के लिए सोचते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है और इसे करने के लिए हमें बहुत सारे सेंटेंस करने होते हैं जिसका यूज मैं आपको आज एक बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये आसानी से इसके साथ हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या सब्जेक्ट होता है और कैसे किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इसमें से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसे कैसे याद करें, कैसे करें कि ये हमारे माइंड में हो, इसके लिए मैं आज आपको ये चीज़ एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। एक छोटा सा मैं स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसके वजह से आपको ये हमेशा याद रहेगा। हमें पढ़ना है बेसिक EGRM का यूज़ करना है, जिसे हमें आसानी से कैसे करें वो देखते हैं। तो सबसे पहले EGRM जिसके हमें यूज़ करना है, तो अब हम चलते हैं अपने स्टोरी के ऊपर। EGRM, तीन दोस्त थे जिनके नाम थे EGRM। अब तीनों गहरे दोस्त थे और उन्होंने सोचा कि हम किसके काम आ सकते हैं, उन्होंने ये सोचा कि हम किस व्यक्ति के काम आ सकते हैं। तो जो उसमें से M था वो क्या बोला कि मैं तो उसी व्यक्ति के काम आऊँगा जो अकेला होगा और जो खुद बोल रहा होगा, सिर्फ मैं उसी के काम आऊँगा, वो चाहे कोई भी हो जो बोलेगा वही मेरा यूज़ कर सकता है। अब ईज ने सोचा, उसका दूसरा जो दोस्त था ईज था, उसने सोचा कि ये तो सिर्फ उसी के काम आएगा जो बोलेगा। तो उसने कहा कि मैं उस सारे व्यक्ति के लिए काम आऊँगा जो अकेले होंगे। ईज ने क्या कहा कि वो सारे उस व्यक्ति के साथ काम में आएगा जो अकेले होंगे। अब ये बातें आर ऑलरेडी सुन रहा था जो उनका तीसरा दोस्त था, वो ऑलरेडी उनकी बातों को सुन रहा था। अब उसको गुस्सा आ गया, उसका तीसरा दोस्त जो आर था उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा क्या कि तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम सिर्फ किसी एक के लिए काम आना चाहते हो, पर मैं ऐसा हूँ जो मैं समाज के लिए सोचता हूँ। इस दुनिया में जो लोग भी एक यूनिटी में होंगे, जो लोग एक से अधिक होंगे, मैं सिर्फ उनके काम आऊँगा। अब देखो क्या बात है कि उन्होंने क्या कहा, आर ने क्या कहा कि वो सिर्फ उसी के काम आएगा, वो सिर्फ उसी के काम आएगा जो यूनाइट में होंगे, जो एक से अधिक होंगे, और वो किसी के लिए काम में नहीं आएगा। अब फिर से उन अपने दोस्तों से बोला कि चूंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारे काम भी आऊँगा। तो अब आप सोचिए कि अब हम देखते हैं EGRM को देखते हैं, तो M जो कि फर्स्ट फ्रेंड था तीनों में से, उसने क्या कहा कि मैं जो बोलेगा उसी के साथ काम में आऊँगा। तो यहाँ बोलने वाला वर्ड हमेशा आई होता है, आपको पता होगा आई ही हमेशा बोलता है। जब भी हम कोई वर्ड यूज करते हैं अपने लिए, खुद के लिए, तो हम बोलते हैं आई। आई को हिंदी में हम मैं बोलते हैं, तो आई तो सिर्फ M के लिए आएगा। इज क्या बोला, मैं उसके लिए आऊँगा जो सिर्फ अकेले होगा। तो आप देखो ही, सी, इट या कोई नाम ले लो जैसे अमन, ये सिर्फ इसके लिए ही काम में आएगा। आर क्या बोला था, आर ने बोला था मैं तो उसके लिए काम आऊँगा जो यूनाइट होंगे, जो एक से अधिक होंगे, जैसे वी, यू, दे, बॉयज। अब ये सारे में हम देख रहे हैं क्या कि ये सारे क्या हैं, एक से अधिक है। तो अब आपको आसानी से इसको समझने में आसानी होगी कि ये क्या बोला, और फिर इसने ये बोला था कि चूंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो तो अकेले भी हो तो यू के साथ हमेशा हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए भी काम में आएगा। तो ये था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन EGRM के लिए कि ये कहाँ कहाँ आएंगे। तो आपको दिख रहा है आई के साथ M का यूज करते हैं, ही, सी, इट कोई भी नाम के साथ इज का यूज करते हैं, और आर के साथ
वी यू और दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होता है, और कोई भी एक रहेगा तो वो इज के साथ यूज किया जाएगा। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलो देखते हैं हम इसे कैसे करें और कैसे हम आसान कर दें इज आर एम के यूज को, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। इज आर एम, ये सभी क्या है, सभी क्या है, वर्ब है। क्या है? वर्ब है। वर्ब आपको पता होगा, थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं वर्ब के बारे में। वर्ब हमेशा किसी एक्शन को बताता है, पोजीशन को बताता है या फिर स्टेट को बताता है। आजकल मोबाइल बहुत पॉपुलर है, यहाँ क्या हो जाता है, एप्स। यानी वर्ब हमेशा क्या करता है, एप्स को बताता है। ये वर्ब हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो वर्ब एक्शन, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। पोजेशन, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक साइकिल है, आपको पोजेशन मिल गया। स्टेट, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं तेज हूँ, मैं आलसी हूँ, दैट्स इट। तो आपको ऐप समझ में आ चुका होगा। अब इसे हमें यूज करना है सेंटेंस में। अब इज आर एम के पहला रूल करते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम, इसके साथ सबसे पहले मैं नाउन का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे आप देखोगे कि नाउन का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल, राजा इज अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, रोहित इज अ स्टूडेंट, दे आर इंजीनियर्स, तो आपने यहां देखा कि ये जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं सबके लास्ट में एक नाउन का यूज किया गया है। तो मैं इज आर एम के साथ नाउन का यूज करके एक स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं, और इसको हम अपने स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर अ डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, सी इज अ टीचर, सी इज अ नर्स, ऐसा आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हो और आप इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरा यूज देखते हैं इसका, सिर्फ एडजेक्टिव लिखा जाए तो एडजेक्टिव का यूज करके भी आप अनेकों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे सी इज वाइज, रवि इज ऑनेस्ट, दे आर लेबोरियस, सीता इज रेडी। तो इसके प्रैक्टिस अगर आपको स्पीकिंग के लिए करना हो तो फिर आप एडजेक्टिव, जितने भी एडजेक्टिव लगाने उसके एडजेक्टिव यूज करो, और इस सेंटेंस के साथ इज आर एम के साथ जितना प्रैक्टिस करना है आप करो। लाइक यू आर वाइज, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्रेव, सी इज ऑनेस्ट, लाइक दिस। तो आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हो और आप इसके स्पीकिंग प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हो। अब इसके आगे का नेक्स्ट रूल देखते हैं। सब्जेक्ट इज आर एम,
प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म अदर वर्ब। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट इज आर एम के साथ हम वर्ब के चौथे फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं, और इसके साथ कोई भी जब हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं तो इससे एक्शन का बोध होता है, इससे एक्शन का बोध होता है। लाइक ही इज गोइंग टू मार्केट, सी इज रनिंग, दे आर रीडिंग। तो आप इसके जितने स्पीकिंग प्रैक्टिस करने हो उसको करो। लाइक ही इज गोइंग, ही इज वर्किंग, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज। नेक्स्ट यूज है सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। अब देखो जब इज आर एम के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो यहाँ एक्शन किसी डूअर के द्वारा किया जाता है, किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। लाइक ही इज टॉट, यहाँ पे ये पैसिव में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? पैसिव वॉइस में आता है ये। ही इज टॉट, दे आर पनिश्ड, वॉटर इज सेव्ड। नहीं देखा कि इज आर एम के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है जब इसका अर्थ आता है या जाता है, हिंदी के वाक में या जाता है लगा रहता है। तो आप जब भी इसे बनाने जाओगे तो हिंदी के जो भी सेंटेंस मिलेंगे, अगर एक्शन किसी और के द्वारा हो रहा हो, किसी डूअर के द्वारा हो रहा हो, तो वहाँ पे हम इज आर एम के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसका आप स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लाइक ही इज टॉट, दे आर फिनिश्ड, वाटर इज सेव्ड, रमेश इज कॉल्ड। नेक्स्ट यूज है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड। जब इज आर एम के साथ बीइंग प्लस वी थ्री का यूज होता है तो ये कंटिन्यूअस में पैसिव का सेंटेंस होता है। यहाँ पे इसके हिंदी वाक्य के अंत में या जा रहा है लगा रहता है। एग्जाम्पल, ही इज बीइंग टॉट, सी इज बीइंग हैंग्ड, दे आर being saved। अब ये सारे आपने देखा, ऐसे करके हम पैसिव के कंटिन्यूअस सेंटेंस को इज आर एम के साथ आसानी से बना सकते हैं, एज वेल एज इनके साथ इनका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज देखो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। जब इज आर एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है, और इसके साथ इन्फिनिटिव जब बन के आता है तो यहाँ पे इसके यूज से किसी कार्य के होने का बोध होता है, और इसके हिंदी वाक में वाला है, वाली है लगा रहता है। एग्जाम्पल देखो, ही इज
टू गो, वह जाने वाला है. रमेश इज टू विजिट हियर. रमेश इज टू विजिट हियर. रमेश यहाँ विजिट करने वाला है. दे आर टू रन. वे लोग दौड़ने वाले हैं. तो आपने यहाँ देखा कि अगर हम इज आर एम के साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो यहाँ पे किसी एक्शन के स्टार्ट होने का बोध होता है और हिंदी वाक्य के अंत में वाला है वाली है आते हैं. अगर आप इसके प्रैक्टिस करते हो तो इसके प्रैक्टिस बहुत ही आसान है. आप इज आर एम के साथ टू प्लस वी वन बोलो, जितने सेंटेंस बनाना है, लाइक ही इज टू गो, ही इज टू रन, ही इज टू सिंग, ही इज टू डांस. आप ऐसे अनेकों सेंटेंस बना सकते हो और अपने स्पीकिंग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हो. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. अब जब टू प्लस बी वन के पहले अबाउट का यूज किया जाता है तो हिंदी वाक्य के अंत में ही वाला है लग जाता है. ही वाला है, ही वाली है. एग्जाम्पल, सी इज अबाउट टू डाई. वह मरने ही वाली है. They are about to reach here. वे लोग यहाँ पहुँचने ही वाले हैं. Maya is about to sing. Maya गाने ही वाली है. तो अगर आपको ये प्रैक्टिस करने हैं तो इसके प्रैक्टिस भी आप आसानी से कर सकते हैं. आपको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अबाउट का यूज करना होता है, लाइक दे आर टू विजिट अमेरिका. अगर आपको इसी सेंटेंस को अबाउट लगा के बोलना है तो आप बोलेंगे दे आर अबाउट टू विजिट अमेरिका, दे आर अबाउट टू गो टू मार्केट, दे आर अबाउट टू मीट मोहन. लाइक दिस आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हो. नेक्स्ट यूज देखते हैं. सब्जेक्ट इज आर एम प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड. जब वाक्य में किसी भी स्ट्रक्चर में इज आर एम के साथ गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज हो तो यहाँ पे हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाली है या ने जा रहा है इत्यादि लगा रहता है. जैसे वह खेलने जा रहा है, ही इज गोइंग टू प्ले. वह पढ़ने जा रहा है, ही इज गोइंग टू रीड. वह सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टाइम मंथ ईयर. अब इसके साथ अगर इट सब्जेक्ट के जगह पे अगर हम इट कर दे तो देख लो, इट इज मंडे, इट इज इवनिंग, इट इज 1970. तो इट का यूज करके हम ऐसे अनेकों सेंटेंस आराम से चाहे तो
बना सकते हैं और इसका स्पीकिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब जितने चाहो इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करो और इससे सेंटेंस बनाओ, लाइक इट इज़ जनवरी, इट इज़ फरवरी, इट इज़ मार्च, इट इज़ अप्रैल, इट इज़ 1970, इट इज़ मंडे। आप ऐसा सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यू देखो, अगर देर के साथ इज लगाए या आर लगाए तो इसके बाद किसी नाउन को हम यूज कर सकते हैं, किसी नाउन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल, देयर इज अ कार, देयर इज अ मैन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देयर प्लस इज प्लस नथिंग बट प्लस नाउ। अब इसके साथ जितने यूज करने हैं करो, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स हियर, द क्लास, देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स इन द क्लास। वर्ग में विद्यार्थी ही विद्यार्थी हैं। तो जब दो नाउन को ही के साथ रिपीट किया जाता है तो वहाँ पे हम देयर के साथ नथिंग बट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज देखो, इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस, एग्जाम्पल इट इज आई, मैं ही तो हूं, इट इज यू तुम ही तो हो, इट इज ही वही तो है। अब इसके साथ इट इज मी थोड़ा देर के लिए चल सकता है, बट इट इज हिम ये गलत होता है। तो कभी भी आप यहाँ पे इट इज के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करो, जिससे ये राइट होता है और इसका अर्थ होता है इट इज आई मैं ही तो हूँ, इट इज यू तुम ही तो हो, इट इज दे वे ही तो है। अब आप इस तरीके से ये सारे इज आर एम के यूज आसानी से बना सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जो मैंने यूज बताया था, इज आर एम के साथ आपने क्या सीखा, नाउन का यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, वर्ब फॉर का यूज करेंगे, भी थ्री का यूज करेंगे, बीइंग प्लस भी थ्री का यूज करेंगे और टू प्लस भी वन का यूज करेंगे, अबाउट टू प्लस भी वन का यूज करेंगे, नेक्स्ट गोइंग प्लस टू प्लस भी वन का यूज करेंगे, देयर प्लस वर्ब का यूज करेंगे जहाँ पे इज आर एम होगा, सॉरी एम नहीं होगा, ओनली इज आर होगा, देयर के साथ प्लस नथिंग बट का यूज करेंगे, इट प्लस इज प्लस सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। इतना मैंने आपको बताया, ये आपका प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू सो मच।